हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8 का लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कृषि टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने कृषि क्या है, कृषि को किन किन रूपों में की जाती है, जैसे विटिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस सभी कृषि के बारे में पढ़ा और साथ में हमने देखा कृषि तंत्र कौन से हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बच्चों कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, कृषि के प्रकार की बात आती है, कृषि के प्रकार के रूप में आपके 8 क्लास के अनुसार पहले 2 भागों में बांटे गए। 8 क्लास के रूप में कितने भागों में बांटे गए? 2। पहली जो कृषि का नाम बताया गया, गहन जीवन निर्वाह कृषि। पहली का नाम क्या बताया? गहन जीवन निर्वाह कृषि। दूसरी व्यापारिक कृषि। कौन सी कृषि? व्यापारिक कृषि। फिर जीवन निर्वाह गहन कृषि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें चावल प्रधान, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान गहन कृषि। गेहूं प्रधान और चावल प्रधान गहन कृषि, ये अनाज की प्रधानता के आधार पर है। और आपके बाद में एक कृषि का नाम आता है, आदिम निर्वाह कृषि, जिसके 2 भाग बताए गए हैं। पहला स्थानांतरण कृषि, ठीक है, फिर दूसरी चलवासी कृषि। कौन सा? चलवासी कृषि। व्यापारिक कृषि के अंदर रोपण कृषि और मिश्रित कृषि, इस तरह अलग अलग भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो बच्चों, आज हम पहले गहन जीवन निर्वाह कृषि है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे वाले जो प्रकार है उनका विश्लेषण करेंगे। पहले कौन सी कृषि है? गहन जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। गहन जीवन निर्वाह कृषि के अंदर यदि आपसे परिभाषा पूछे तो सीधी सी परिभाषा लिखना है, किसी छोटे से भूभाग पर गहन श्रम व कीटनाशक रासायनिक उर्वरक व उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके अधिक उपज प्राप्त करना क्या कहलाता है बच्चों? गहन निर्वाह कृषि। एक बार पुनः परिभाषा सुन लीजिए, किसी छोटे से भूभाग पर गहन श्रम व कीटनाशक रासायनिक उर्वरक व उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके अधिक उपज प्राप्त करना क्या कहलाती है बच्चों? गहन जीवन निर्वाह कृषि। यदि आपसे पूछ ले गहन जीवन निर्वाह कृषि कहां होती है, तो याद रखना दक्षिण
दक्षिणी पूर्वी पूर्वी एशिया। याद रखना कि गहन जीवन निर्वाह कहाँ होती है, तो याद रखना दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा गहन निर्वाह कृषि की जाती है। और गहन निर्वाह कृषि के अंदर जो फसलें आती है, फसलें के अंदर देखते हैं गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और अपन के जौ, ये सारे जो है वो गहन जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आने वाली प्रमुख क्या है, फसल है। और इन्हीं फसलों के आधार पर बच्चों गहन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है। पहला चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि, कौन सा है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो इसके अंदर यदि आप क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र जो क्षेत्र है इनमें प्रमुख माने गए, याद रखना। फिर इसके अंदर काफी बार पूछा जाता है कि चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल क्या होती है, चावल, याद रखना चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल, चावल है, ठीक है, याद रखना बच्चों। इस प्रकार की कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। याद हो जाएगा बच्चों कि चावल प्रधान जो गहन कृषि की मुख्य फसल चावल होती है और इस प्रकार की जो कृषि है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। और यहाँ पर वर्षा और आर्द्रता भी क्या पाई जाती है, उच्च देखने को मिलती है। फिर दूसरी है अपन के गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि की बात करें तो याद रखना बच्चों इस कृषि की मुख्य फसल गेहूं है, कौन सी है, मुख्य फसल गेहूं है। और ये जो फसल अधिकतर है वो उपाद्र क्षेत्र में ज्यादा बोई जाती है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा बोई जाती है, उपाद्र क्षेत्र में ज्यादा बोई जाती है। तो आपको पता चल गया है कि अनाज की मात्रा क्या है, अनाज की प्रवृत्ति के आधार पर गहन कृषि कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आए हुए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गेहूं की बात करें तो अपन सीधा से याद रखना विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो गेहूं है विश्व में, याद रखना विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं है वो चीन में होता है, ठीक है, और भारत का स्थान तीसरा है। भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान भारत का है, ठीक है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है, उत्तर प्रदेश में। भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा गेहूं, उत्तर प्रदेश में। और यदि राजस्थान के अंदर गेहूं की बात करें तो कहां पर होता है, गंगानगर में, कहां पर होता है, गंगानगर में। फिर बाद में चावल की बात करें तो चावल सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों,
चीन में, कहाँ होता है? चीन में। दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। और भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल। और राजस्थान में कहां पर होता है? हनुमानगढ़। कहां पर होते हैं? हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। फिर अपन चलते हैं मक्का के बारे में। किसके बारे में? मक्का के बारे में। तो मक्का है विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आपको याद रखना है मक्का विश्व के अंदर सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। कहां पर होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और राजस्थान के अंदर कहां पर होता है? अजमेर की साइड में। कहां पर होता है? अजमेर की साइड में। तो ये हमारे मुख्य फसल आई थी, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब अपन गैर निर्वाह कृषि का एक और भाग पढ़ेंगे, उसका नाम है आदिम कृषि। कौन सी कृषि है? आदिम कृषि। अब आदिम कृषि की यदि हम परिभाषा देखें तो इसके नाम के आधार पर ही लगाया जा सकता है, नाम के आधार पर भी लगाया जा सकता है। जैसे बच्चों आदिम का मतलब पुराने, आदिम का क्या होता है? पुराने। तो ऐसी कृषि जिसमें प्राचीन औजारों व तकनीकी का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? आदिम कृषि। आदिम कृषि के दो भाग पढ़ेंगे। कितने भाग पढ़ेंगे? दो। इसका पहला भाग है वो है जूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि। जूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि। तो काफी बार इसका सवाल पूछ लेते हैं जूमिंग कृषि क्या है, तो याद रखना प्राचीन काल में लोग जंगलों को जलाकर उसे कृषि के लिए साफ करते हैं। बाद में प्राचीन औजार जैसे तीखे डंडे, कुदाली, फावड़ा आदि का प्रयोग करके जमीन को खोदकर उसमें उपयोगी बीज बो देते हैं उसके बाद इस क्षेत्र में 2-3 साल कृषि करने के बाद पुनः दूसरे स्थान पर जाकर जंगलों को साफ करके
कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, ये मैंने आपको झूमिंग कृषि की विस्तारित परिभाषा लिखाई है। प्राचीन काल में लोग जंगलों में जा जंगलों को जलाकर उसे कृषि के लिए साफ करते हैं। बाद में प्राचीन औजार होती के डंडों कुदाली फावड़ा आदि का प्रयोग करके जमीन को खोदकर उसे उपयोगी बीज बो देते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में 2-3 साल कृषि करने के बाद पुनः दूसरे स्थान पर जाकर जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। यदि हम भारत में अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग जामों से जानते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में से झूमिंग कहते हैं और असम और अरुणाचल प्रदेश की साइड जाते हैं तो इसे रिहांग कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर राजस्थान में देखते हैं तो इसे वालरा कृषि कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वालरा कहते हैं। फिर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे चिमाता कहते हैं, क्या कहते हैं, चिमाता। और मैदानी क्षेत्रों में इसे दजिया कहा जाता है, दजिया कहते हैं। ये कहां पर कहते हैं, भील। ये कौन सी प्रक्रिया करते हैं, भील जाति के लोग करते हैं। फिर अपन कहीं पर भारत में से स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, भारत के अलग अलग जगहों पर झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। विश्व के अंदर देखते हैं तो मलेशिया में से क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, ठीक है। वियतनाम इसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। और श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं, क्या कहते हैं, चेना कृषि कहते हैं। इस तरह आपने देखा बच्चों, ये हमारी जो झूमिंग कृषि है या स्थानांतर कृषि है उनको अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जानते हैं। अब हम लेंगे चलवासी कृषि या चलवासी पशु चारण। अब हम लेते हैं बच्चों झूमिंग कृषि के महत्वपूर्ण और बिंदु। हम लेते हैं झूमिंग कृषि की परिभाषा, हमने देखी क्या देखी बच्चों कि एक ऐसी कृषि जिसमें जंगलों को काटकर जलाकर कृषि के लिए तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर जो आदिम औजार हैं नुकीले डंडे उनसे फावड़े खुदाली का प्रयोग करके खेत को अंदर बीज बोते हैं और ये प्रक्रिया 2-3 साल अपनाने के बाद जो कृषि अनुपज या उर्वरक क्षमता की कमी हो जाती है तो पुनः दूसरे स्थान पर जाकर यही प्रक्रिया अपनाकर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उसको हमने क्या कहा, झूमिंग कृषि, ठीक है बच्चों। अब झूमिंग कृषि को विश्व के अंदर अलग अलग जगहों पर कहां पर होते हैं, पहले अमेजन बेसिन, कहां पर होती है, अमेजन बेसिन के सघन वन। अमेजन बेसिन के सघन वन के बारे में अपन देखें तो जो ये अमेजन बेसिन है विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय वाली नदी है। नोट करके याद रखना बच्चों, नोट, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है बच्चों, अमेजन नदी, याद रखना अमेजन नदी। फिर यदि अपन को पूछ ले भारत की
सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी। भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है बच्चों? याद रखना, गंगा। कौन सी है? गंगा नदी। फिर आपसे पूछ ले, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? गोदावरी नदी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी चंबल नदी। कौन सी है? चंबल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका महाद्वीप, उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर भी इसी प्रकार से कौन सी क्रियाएं की जाती है? झूमिंग कसी क्रियाएं की जाती है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है भाग के अंदर पाया जाने वाला अफ्रीका। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो बच्चों हमेशा याद रखना 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। याद रखो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में कौन सा भाग होता है? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला भाग है, जहां पर वर्षा की मात्रा कम, जल वाष्प की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, या वाष्पीकरण की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर देखते हैं जैसे भारत है, श्रीलंका है, वियतनाम है, मलेशिया है, ये सारे जो क्षेत्र है वह दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब आते हैं। और वहां पर क्या होती है बच्चों? जूमिंग या स्थानांतरण कृषि। क्या होती है? जूमिंग या स्थानांतरण कृषि होती है। फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर देखते हैं तो अपन असम के अंदर देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं, नागालैंड के अंदर देखते हैं, तो ये जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी कृषि होती है? जूमिंग कृषि। कौन सी होती है? जूमिंग कृषि का प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर आपसे पूछ ले, स्थानांतर कृषि या जूमिंग कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, आलू, रतालू। मक्का, आलू और रतालू। ठीक है, यदि अपन मक्का के बारे में देखें तो विश्व के सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का का उत्पादन किया जाता है। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। फिर चलवासी पशु चारण, चलवासी पशु चारण की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या है? क्योंकि बच्चों आपको इस प्रकार का सवाल पहले भी पुटअप हुआ है कि चलवासी पशु चारण क्या है, तो इसमें उत्तर क्या था? चारे और पानी की तलाश में पशुपालक अपने मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। चारे और पानी की तलाश में पशुपालक अपने मवेशियों को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? चलवासी पशु चारण। क्या कहा जाता है? चलवासी पशु चारण। तो पशु चारण की आपसे पूछे कि सर पशु चारण क्या होता है, तो आपको याद रखना है बच्चों सिंपल भाषा में उत्तर देना है, पशुओं को या पशुओं को चराने से संबंधित अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? पशु चारण। तो याद रखना, याद लिख रहा हूं, पशुओं को चराने से संबंधित अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? पशु चारण। ठीक है, फिर हिमालय में निवास करने वाली चलवासी पशु चारण जातियां, हिमालय में पशु चारण करने वाली जातियों के नाम है, पहला गुजर। कौन सा है? गुजर। दूसरा बकरवाल, तीसरी गदी और चौथी भूटिया। ये चार जनजातियां ऐसी है जो हिमालय में अभी भी चलवासी पशु चारण के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
ये जातियां कौन सा प्रवास करती है? ऋतु प्रवास। क्या करती है? ऋतु प्रवास। अब आपसे पूछते हैं ऋतु प्रवास क्या है, तो याद रखना ऋतु के अनुसार यह हिमालय के ऊपरी भाग व निचले भाग में आवागमन करते हैं। क्या करते हैं? आवागमन करते हैं, उसी को उन्होंने क्या कहा है? ऋतु प्रवास। ये सर्दियों के अंदर हिमालय से गिरिपथ में आ जाते हैं, गर्मियों के अंदर हिमालय के चोटियों की तरफ चले जाते हैं। चरवासी पशुचारण की प्रमुख जो पशु के नाम पूछे तो याद रखना भेड़ बकरिया ऊंट और याक। भेड़ बकरिया ऊंट और ये याक है, ये चरवासी पशुचारण के प्रमुख क्या है? पशु है। क्या है? पशु है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण भाग पढ़े, गहन कृषि की परिभाषा पढ़ी, फिर आपने गहन कृषि को भाग पढ़े और इनमें से एक भाग पढ़ा था आदिम गहन कृषि, जिसमें आदिम औजार तरीकों से प्रयोग करके कृषि को करते हैं। फिर आपने बच्चों गहन आदिम कृषि के दो भाग पढ़े, एक स्थानांतर कृषि या जूमिंग कृषि, दूसरी चलवासी कृषि, जिसके बारे में आपने प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर वाणिज्य कृषि के जो भाग हैं जैसे मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।